वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ लोरी पांडे एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आ चुकी हूँ ज्ञान भवन में, जहाँ लगा है दशहरा मेला। और ये दशहरा मेला आयोजित किया गया है बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा, जो स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर से और ये एंड होने वाला है 27 सितंबर को। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 10:30 बजे सुबह से ये शुरू होता है और 8:30 बजे रात तक ये चलता है। बिना देरी किए हुए आपको फटाफट से दिखाती हूँ अंदर का सीन दशहरा मेले में, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं, क्या खाने को है, क्या खरीदने को है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें जब हम लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप अगर 2 दिन और बचा है, 2 दिन में आप अगर आना चाहो पटना में हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या देख सकते हो यहाँ पर। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड।
Oh,
फाइनली ये दशहरा मेला मैंने देख लिया, सारे स्टॉल्स को कवर कर लिए। ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार का आर्ट फॉर्म और आर्ट फॉर्म से रिलेटेड सारे क्लोथिंग आइटम आपको मिलेंगे। घर के बनाए हुए खाने की चीज़ें हैं जो जिसके स्टॉल्स लगे हैं, आप वो देख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्लोथिंग आइटम्स, जैसे सिक्की आर्ट हो गया, फिर मंजूषा आर्ट हो गया, मधुपनी पेंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और उनसे सारे रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फूड कोर्ट है अलग से, वो आप देख सकते हो खाने की चीज़ें। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ ने भी कोलैबोरेट किया है यहाँ पे। बाकोज़ है, हाइड आउट कैफ़े है, विकेट 3 कैफ़े है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया मेरा वीकेंड, और अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करिए दशहरा मेला। और टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू द लाइक बटन एंड कॉमेंट बिलो विच वन वॉज योर फेवरेट स्टॉल हेयर। और सो इफ़ यू आर इन पटना एंड यू वॉन्ट टू विजिट एनी इवेंट और एनी प्लेस, सो ये एक परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट जगह है दशहरा मेला घूमने के लिए। ज्ञान भवन आए और ज़रूर विजिट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई न्यू ब्लॉग। बाय बाय।